सब्जेक्ट अपना है मैथ, एक्सरसाइज अपनी चल रही थी 10 में अपने था फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस में अपन ने ए टू एस से क्वेश्चन कर लिए थे। अब देखेंगे आगे वाले क्वेश्चंस, उसमें क्या है जो शेडेड पार्ट है उनके फ्रैक्शंस बनाने हैं। कुछ पिक्चर्स मैंने बनाई है यहाँ पे, देखिए ट्रायंगल बना हुआ है। टोटल पार्ट सबसे पहले अपन देखेंगे टोटल पार्ट कितने हैं और शेडेड पार्ट कितने हैं। तो टोटल पार्ट देखो 1 2 3 4 5 6, यानी इसमें टोटल जो पार्ट है वो कितने हैं 6, और शेडेड जो पोर्शन है, शेडेड जो पार्ट है वो कितने हैं 2। तो अपना जो फ्रैक्शंस बनेगा वो क्या बनेगा, 2/6, राइट। यहाँ पे अपन को क्या करना है, जो शेडेड पोर्शन है, शेडेड जो पार्ट है जो हमें दिख रहे हैं उनका फ्रैक्शंस बनाना है। अब देखिए एक सर्कल बना हुआ है, सर्कल में वापस से बनाते हैं, एक सर्कल बनाते हैं, ओके। सर्कल में अपन ये पार्ट किए, देखिए अब टोटल पार्ट कितने हैं 1 2 3 4 5 6, 6 में से अगर अपन 4 पार्ट शेड कर देते हैं तो अपना जो फ्रैक्शंस है वो क्या बनेगा, 4/6। इसी तरीके से ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के अपन ये बनाए पार्ट, इक्वली पार्ट बना लिए। तो पहले जो इक्वली जो टोटल पार्ट्स है वो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब जो शेडेड पार्ट है, ये अगर मान लो इसमें ये शेडेड पार्ट है, ओके, नाउ कितने हुए शेडेड पार्ट, 2 2 4 और 2 3 6, 6 पार्ट शेडेड हो गए, तो जो 6 है वो आएगा ऊपर और अपना जो फ्रैक्शंस बनेगा वो बनेगा 6/10। इसी तरीके से जो क्वेश्चंस है जिनमें ये बोला जाए कि शेडेड पार्ट के फ्रैक्शंस बनाओ, तो आप किस तरीके से बनाओगे, सबसे पहले जो टोटल कितने इक्वल पार्ट है उनको नीचे राइट करोगे और जो शेडेड पार्ट है उनको ऊपर राइट करोगे, क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर वर्ड्स में दिया हुआ होता है, अगर कोई भी फ्रैक्शन वर्ड्स में दिया हुआ है, जैसे 3/7 ये से वर्ड में दिया जाता है, तो इसको अपन क्या लिखेंगे, 3/7, राइट। 3/7 ये वर्ड में है, इस फ्रैक्शन का ये वर्ड फॉर्म है, यानी वर्ड में इसको बोलेंगे 3/7। और एग्जाम्पल लेते हैं 1/8, यानी ये 1 तो ऊपर और नीचे 8, ठीक है, आया समझ में। यानी वर्ड्स में इनको क्या बोलेंगे, 1/8। फ्रैक्शंस बनानी है, दूसरे में फ्रैक्शंस हो तो उनको वर्ड फॉर्म में किस तरीके से
कैसे राइट किया जाए, और अगर वर्ब फॉर्म में दिया हो तो फ्रैक्शन में कैसे राइट किया।